हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। मेरा नाम है शशि और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गैजेट फ्रीक। और फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हाउ टू चेंज द रैम ऑफ योर लैपटॉप। अपने लैपटॉप के रैम को कैसे चेंज करें या अपग्रेड करें। सो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, अपना कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। जैसे कि मेरा कंप्यूटर है डेल N5050 सीरीज है, सो मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ। इसमें मैं प्रॉपर्टीज में जाऊंगा और मेरा 2GB रैम इंस्टॉल्ड है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा कंप्यूटर काफ़ी स्लो है, यहाँ पे ये 2GB इंस्टॉल है। मैं इसको अपग्रेड करके 6GB करने वाला हूँ। सो आइए इसका प्रोसीजर देखते हैं। सबसे पहले आप अपना लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन देख लें कि आपका लैपटॉप कितने रैम को सपोर्ट करता है। मोस्टली 8GB या 16GB होते हैं और दो स्लॉट होते हैं, तो दो स्लॉट में कितने कॉन्फ़िगरेशन है ये आप देख लें। ये आपको मैनुअल में मिल जाएगा, नहीं तो आप नेट पर भी सर्च मार सकते हैं। जैसे कि मेरा यहाँ पे 4GB सपोर्ट करता है 1333 मेगाहर्ट्ज में। सो मैंने ये ऑर्डर किया है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आपको ये खरीदना है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक बार अपनी कॉम्पैटिबिलिटी चेक कर लें कि DDR3 रैम है, ओके। और कोशिश करें कि जो कंपनी का रैम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उसी कंपनी का रैम दूसरा भी रैम लें, ताकि कॉम्पैटिबिलिटी ईजी होती है। अगर नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर रहेगा तो अच्छी बात है। जैसे मेरा सैमसंग का है, मैंने सैमसंग का ही ऑर्डर किया। सबसे पहले आपको क्या करना है, पावर प्लग निकालना है और इसका बैटरी रिप्लेस करना है, निकाल देना है यहाँ से। तो ये साइड में दो क्लिप हैं आपको, दो क्लिप को आप साइड बाइड की तरफ छेले पिक करें और ये इजीली निकल जाएगा। और हल्के से लैपटॉप की बैटरी को पुश करना है और वो बाहर आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, लैपटॉप को टर्न अराउंड करना है। एंड व्हाट वी हैव टू डू इज, यहाँ पे मेरे पास कीबोर्ड के ऊपर 4 क्लिप लगे हुए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये सारे क्लिप को मुझे क्लिक करना है एक फ्लैट हेड स्क्रू से। जैसे फ्लैट है, आपके पास नहीं है तो कोई सिंपल स्क्रू ड्राइवर भी ले सकते हैं। इस सारे क्लिप को हल्के हल्के प्लग करना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और ये इजिली लेगो टाइप के स्टाइल में क्लिक रहता है और ये इजिली निकल जाता है। सो वंस यू हैव डन दैट, अब हल्के से लैपटॉप को निकालना है। और ध्यान रखिए, जब कीबोर्ड को निकाल रहे हो ज़्यादा कस के नहीं खींचना, चूँकि इसके पीछे एक रिबन अटैच रहता है। मेक श्योर कि वो रिबन को आप डैमेज ना करें, जो कीबोर्ड का रिबन रहता है, कीबोर्ड का फंक्शन उसमें एंटर होता है। ये रहा वो रिबन, इसको मैं साइड में रखता हूँ। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 RAM स्लॉट है मेरा, इसमें 2 पिन अटैच है। पिन को हल्के से प्लग क्लिक करना है और ये रैम बाहर आ जाता है। ये मेरा 2GB का वर्जन का रैम है और ये मेरा 4GB का है। ये दोनों मैं एक साथ इंस्टॉल करूँगा। डिफरेंस आपको दिख ही रहा होगा, इसमें 4 ट्रांजिस्टर लगे, इसमें 8 ट्रांजिस्टर लगे हैं। देख सकते हैं, चलिए मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। बेसिक आइडिया है, ये जो प्लग है, ये जो सबका स्लॉट दिख रहा है, ये पटलो उसमें जाना चाहिए जो ग्रूव बना हुआ है, और हल्का सा प्रेस करना है एंड डन। सेम गोज फॉर द सेकेंड वन, वो जो स्लॉट मैंने दिखाया आपको, जो ग्रूव बना हुआ, वो ग्रूव नीचे वाले ग्रूव में फिट होना चाहिए और हल्के से पुश करना है एंड यू आर डन। हल्के से भी प्रेस कर देना, जो रैम इज इंस्टॉल्ड ना। लेकिन कीबोर्ड लगाने से पहले एक बार हम ऑन करके चेक कर लें कि रैम सही से फिट हुआ है ना। तो मैं पावर क्लिप लगा के इसको टर्न ऑन कर लेता हूँ। मेरा लैपटॉप टर्न हो जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले सेम बेस, माई कंप्यूटर्स प्रॉपर्टीज ऑफ दिस पीसी। अभी आप देख रहे होंगे मैं कंप्यूटर भी काफ़ी फास्ट हो चुका है और काफ़ी फ्लुएंट वर्क कर रहा है। ये 6GB रैम मेरा इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब मुझे पता चल गया मैं रैम परफेक्टली इंस्टॉल्ड हो गया। अब मैं कीबोर्ड को वापस उसकी जगह पर लगा सकता हूँ। ये रहा 4 स्लॉट जो मैंने यहाँ पर पिक किया। ये आराम से ग्रूव में फिट हो जाता है और जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, एक बार फिट हो जाए लाइटली करके चारों तरफ इसके हल्का हल्का प्रेस कर दें एंड यू आर डन विद द पार्ट। एज सिंपल एज दैट। होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखती हैं तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।